हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें दोस्तों, पांच बड़ी खबरें हैं आप सभी से जुड़ी हुई। पहली खबर, आज होगा 23 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ। दूसरी जानकारी है, 70,000 किसानों को मिलेंगे KCC कार्ड। तीसरी जानकारी, प्रदेश में 5,000 नर्सों की होगी भर्ती। चौथी जानकारी, सहकारिता विभाग सेल्समैन भर्ती में 1,00,000 आवेदकों से हुई है ठगी। 2018 में 3629 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इसकी सूची नहीं आई है, उसके बारे में एक अपडेट आया है, जानते हैं। कृषि विभाग के संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हुई है वृद्धि। कृषि विभाग में कार्यरत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी है। चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत 3342 किसानों का 23 करोड़ से ज़्यादा का फसल ऋण माफ होगा आज। कलेक्टर छोटे सिंह के अनुसार, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत द्वितीय चरण में भिंड जिले के सभी तहसीलों का जय किसान फसल ऋण माफी कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मेहगांव में गुरुवार आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर कोई आदेश दे रहा है, इसका मतलब बात पूरी सत्य है और किसान कर्ज माफी पूरे प्रदेश में जिले दर जिले हो रही है। कार्यक्रम में भिंड जिले तहसीलों के मिलाकर लगभग 3342 किसानों का 23 करोड़ से अधिक का फसल ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही फसल ऋण माफी प्रमाण पत्रों एवं नोड्यूज सर्टिफिकेट का भी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मेहगांव में गुरुवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। आप भी वहां पर पहुंच सकते हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत जिले के भिंड, अटेर, मेहगांव, गोहद, गोरमी, मऊ, मिहोना, रौन एवं लाहार के लगभग 3342 किसानों का 23 करोड़ से अधिक का फसल ऋण माफ होने के साथ उन्हें ऋण माफी प्रमाण पत्र एवं नोड्यूज सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। अगली जानकारी है, लगभग 70,000 अर्थात 69,771 किसानों को मिलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। अभी तक आपने KCC कार्ड का उपयोग नहीं किया है तो आप जरूर करें, क्योंकि सबसे सस्ता लोन KCC से ही मिलता है, बाकी कहीं पर भी इतना सस्ता लोन नहीं मिलता। श्योपुर जिले से खबर है, भारत सरकार द्वारा समस्त पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 3,00,000 तक के कर्ज पर प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन एवं अन्य चार्जेस को भारतीय बैंक संघ द्वारा माफ किया गया है। भारतीय बैंक संघ द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि किसानों से समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन को 14 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। 8 फरवरी 2020 से 24 फरवरी 2020 तक किसान क्रेडिट कार्ड का महाअभियान चलेगा पूरे देश में। अग्रणी जिला प्रबंधक सुरेंद्र पाठक एवं नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी राजाजी अय्यर द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्योपुर जिले में कुल 69,771 किसानों को पंजीकृत किया गया है। श्योपुर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा 68,556 किसानों को 576.55 करोड़ राशि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फसल ऋण के लिए वितरित की गई है। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में 1700 डॉक्टरों और 5000 नर्सों की जल्द होगी भर्ती। 12 फरवरी 2020 की खबर है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पिछले 6 महीने में निलंबित किए गए डॉक्टरों को बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1700 डॉक्टरों की भर्ती के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। जाहिर है, यह सुविधाएं आरंभ होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की परेशानियों का काफ़ी हद तक निराकरण हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने यह बात अपने आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कही। मंत्री तुलसी सिलावट ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए जिलेवार कार्य योजना बनाने को भी कहा है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कहा कि 722 मेडिकल ऑफिसर व 900 से अधिक विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 5000 नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसमें आधे पद संविदा पर भरे जाएंगे। 620 लैब टेक्नीशियन व 4000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों की भर्ती जल्द शुरू होगी। तो इस प्रकार से भर्ती का कार्यक्रम चालू हो गया है और कुछ ही दिनों में सारी भर्तियाँ निकल जाएंगी। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कृषि विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कृषि विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। बुधवार को किए गए फैसले में मानदेय बढ़ाया गया है। इसके जरिए सरकार ने संविदा कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कृषि विभाग के संविदा कर्मचारी कई दिनों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उन्हीं की यह मांग आज सरकार ने पूरी कर दी है। इसके पहले सरकार ने फैसला लिया था कि नगरीय निकाय के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले की जाएगी, अर्थात मार्च के पहले नगरीय निकाय के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वे नियमित भी हो जाएंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, उसके पहले ही सरकार आप सभी को नियमित कर देगी। इस प्रकार से आदेश जारी हुआ है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। यहाँ पे किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, देखते हैं थोड़ा सा विस्तार रूप से आदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने के लिए लिए गए फैसले से कृषि विभाग के संविदा कर्मचारी बहुत खुश हैं। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर को अब 30,000 रुपये मिलेंगे, ब्लॉक सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 25,000 रुपये मिलेंगे, लेखापाल को 22,000 रुपये मिलेंगे और 648 संविदा कर्मचारियों की वापसी की जाएगी। ये कर्मचारी वाटरशेड मिशन में कार्यरत थे, हाई पावर परिषद ने इनकी वापसी को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग ने 1,00,000 बेरोजगारों से ठगी की है। 10 फरवरी 2020 को भोपाल समाचार पे खबर आई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश में करीब बेरोजगारों से ठगी का मामला सामने आया है। भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाई गई, फीस जमा कराई गई और फिर कुछ नहीं हुआ, तो इस प्रकार से यह पूरी ठगी है। 14 सितंबर 2018 से अब तक सभी उम्मीदवार मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यदि यही काम कोई प्राइवेट कंपनी करती तो उसके खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाता, लेकिन यह अपराध मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने किया है, इसलिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 14 सितंबर 2018 में सहकारिता विभाग के कनिष्ठ विक्रेता पद के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन बुलाए गए थे, जिसमें लगभग 1,00,000 आवेदकों ने आवेदन किए थे और पोस्ट केवल 3629 थी, जिसमें पूरे प्रदेश से आवेदकों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किए थे। चूंकि इस भर्ती में किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होनी थी, केवल मेरिट के आधार पर नियुक्ति होनी थी, किंतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक इस भर्ती की मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं दी गई है। 2 साल होने को है, इस भर्ती की मेरिट लिस्ट का पता नहीं है। अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकारी नौकरी के इंतजार में हर अन्याय सहन कर रहे मध्य प्रदेश के 1,00,000 बेरोजगार पिछले 2 साल से सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, जबकि यह मामला धोखाधड़ी का है। कनिष्क विक्रेता संविदा पद के उम्मीदवार अब तक लामबंद नहीं हुए, अब वह एक वोट बैंक की तरह नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बार बार वायरल किया जा रहा है। यदि 25% उम्मीदवार भी लामबंद हो गए तो सरकार के लिए एक और सिरदर्द पैदा हो सकता है। इस प्रकार से सरकार से मांग है, जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया है उसकी मेरिट सूची जल्दी जारी करें, ताकि आवेदकों को नौकरी लग सके। तो इस प्रकार से 5 बड़ी खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर।